मैजिकल मनी वॉल। मिजोली के गांव में एक पुराना हवेली रहता था। उस हवेली के अंदर भूत रहते हैं कहकर कोई भी उस तरफ नहीं जाते थे। उस हवेली का मालिक का नाम था सोनू वाला। वो बहुत लालची और बेईमान आदमी था। उस हवेली को कैसे बेचना है और किसको बेचना है समझ में नहीं आकर सर पकड़कर बैठ गया था। एक बार एक घर का ब्रोकर आकर, हुजूर आपके हवेली में भूत प्रेत है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए पूछे तो लोग डर के मारे भाग जा रहे हैं जी। अब अमेरिका से एक आदमी आपका हवेली को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है। वो आदमी इधर आने से पहले आपका हवेली को अच्छे से रंग लगवा कर, अच्छे से सफाई करा कर उनको दिखा कर बेच देंगे। आप जल्दी से काम शुरू कीजिए हुजूर, कहकर उधर से चला गया। अरे उसको पेंटिंग और रिपेयर के लिए तो बहुत खर्चा हो जाएगा, किसी न किसी बकरा को पकड़ कर बिना खर्चा किया काम करवाना है, ऐसे सोचा। अगले दिन एक मिस्त्री उनके परिवार के साथ सोनू वाला के पास आया था। उनका नाम राजैया था। मालिक मैं बगल वाले गांव में रहने वाला मिस्त्री हूँ, मेरा नाम राजैया है। आपका हवेली का मरम्मत के लिए आप एक मिस्त्री के लिए ढूंढ रहे कहकर सुना था। हम पूरे परिवार वाले उधर ही रहकर मरम्मत करेंगे। मेरे बेटी की शादी के लिए थोड़ा पैसों की जरूरत है, 1,00,000 रुपए देते हैं तो बोलिए। पुराना हवेली को एकदम नया हवेली जैसा बदल देता हूँ, और इतना कम दाम में तो और कोई नहीं कर सकता है मालिक। चाहिए तो आप किसी और से जानकर देख लीजिए। अरे ये कोई बकरा तो बिना ढूंढे ही मिल गया है, ऐसे मन में सोचकर, 1,00,000 क्या चाहिए तो 4,00,000 देता हूँ। पूरा मटेरियल को तुमको ही खरीदना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा समझो, लेकिन काम खत्म होने के बाद ही पैसे देता हूँ, सहमत है तो बोलो। तो पहले मेरे पैसे खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है आप तो बड़े आदमी हो और वचन भी निभाने वाले हो, कल से ही काम शुरू करता हूँ मालिक। ये क्या हो गया आपको, 4,00,000 खर्चा करके उस पुरानी हवेली को रिपेयर करने वाले हो? कल वो खरीदने वाला आकर मुझे पसंद नहीं आया कहकर चला गया तो आपको नुकसान हो जाएगा ना। पगले 4,00,000 तो वो राजैया खर्चा करेगा, मैं नहीं। कल काम होने के बाद जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूमता रहता है, ऐसा रामैया भी मेरे पीछे चक्कर लगाना पड़ेगा उसको, बेचारा शेर के पंजे में आकर गिरा। अगले दिन राजैया उस हवेली के दीवार पर चिनाई से मारा तो उसके अंदर से ढेर सारे रुपए, जेवरात और हीरे गिरने लगे। वो देखकर सब हैरान हो गए थे। राजैया फिर से मारा तो और भी गिरने लगे। अरे वाह, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। ये सारे पैसे और जेवरात लेकर कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे जी, और हमारी बेटी की शादी धूमधाम से मनाएंगे। तुम बहुत गलत सोच रही हो लक्ष्मी, ये घर हमारा नहीं है और इसमें जो भी मिलता है वो हमारा नहीं है, ये सब सोनू वाला जी को ही मिलना चाहिए। जो चीज हमारा नहीं होता है उसके ऊपर हम आशा नहीं करना चाहिए। ऐसे में पैसे, हीरे और जेवरात को एक थैली में बांध कर सोनू वाला के घर गया और सोनू वाला के सामने उसे खोलकर नीचे डाला तो उसमें से ढेर सारे पैसे, हीरे और जेवरात गिर पड़े। वो देखकर सोनू वाला हैरान हो गया था। तब राजैया सोनू वाला को जो हुआ सब बताया। ये बात तो हमें पहले से ही पता था, तुम ईमानदार आदमी हो कि नहीं कहकर मैं एक छोटा सा टेस्ट किया। अरे तुम तो जीत गए, जाओ जाकर हर रोज क्या क्या मिलता है सब लेकर आओ, ठीक है। राजैया जाने के बाद सोनू वाला धीरे से उनका पीछा किया। हवेली में राजैया चिनाई से दीवार पर मारा तो फिर से ढेर सारे पैसे, जेवरात गिरने लगे। वो देखकर सोनू वाला हैरान हो गया था। अरे ये तो गजब की बात है, तो इस घर में भूत प्रेत कुछ भी नहीं है, ये तो सोने का हवेली है और रुपया देने वाली चमेली है। अगर इसे रिपेयर करवाएंगे तो इसका सारा शक्ति खत्म हो जाएगा शायद। इस घर को किसी को भी नहीं बेचना है और इस राजैया से भी छुटकारा पाना है, सोचा। अगले दिन राजैया को जो पैसे और सोना मिला था वो सब कुछ सोनू वाले के पास लेकर आया और उन्हें दे दिया। राजैया अभी मेरा मन बदल गया है, उस घर को कुछ मरम्मत की जरूरी नहीं है, अब तुम जा सकते हो। ये क्या है मालिक, अभी ऐसे कह रहे हो? ठीक है आपकी हवेली आपकी मर्जी, लेकिन मैं सीमेंट और रेत के लिए तो बहुत खर्चा किया, उन पैसों के साथ अगर आप कुछ दे सकते हैं तो मैं खुशी से चला जाऊंगा मालिक। क्या देना है तुझे, काम होने के बाद ही पैसा देता हूँ कहकर हमारा बीच में समझौती हुआ ना, काम बीच में रुक गया तो बीच में मैं क्या कर सकता हूँ, वो सीमेंट और रेत को कहीं और जाकर बेच लो, नहीं तो कुछ बनाओ, ये सब मुझे मालूम नहीं है भाई।
मालिक ऐसा बात मत करो, आपको बहुत सारे पैसे मिले हैं ना, मेरी बेटी का शादी के लिए जो बचा था वो सब कुछ मैंने खर्चा कर दिया, आप थोड़े पैसे देंगे तो मैं चला जाता हूँ, आपका हाथ जोड़ता हूँ। तब सोनू वाला राजैया को पैर से मारा तो वो नीचे गिर गया। क्यों बे, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या, जाओ दरिंदर कहीं के, और एक पल इधर रहा तो तुझे मारकर तंदूरी बना दूंगा, खबरदार। तब राजैया दुखी होकर उधर से चला गया। अगले दिन सोनू वाला उस हवेली में जाकर, अरे मेरा नसीब तो बदल गया है, जितना खोदा उतना पैसा और सोना, अरे वाह, अब इस दुनिया में मैं सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ, सोचा। बाद में वो चिनाई लेकर एक दीवार पर मारा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, ऐसे कितने बार भी मारा तो कुछ भी नहीं निकल रहा था। इतने में दो भूत उधर प्रत्यक्ष हुए, उनको देखकर सोनू वाला डर गया। वे दोनों भूत सोनू वाला को पकड़कर खूब पीटे। अरे भूत, अयो भूत, मुझे मत मारिए, आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, कहकर चिल्लाने लगा। क्यों रे कमीने, ये सारा सोना हमारा है, वो राजैया बहुत मुश्किल में है कहकर उन्हें दिया, लेकिन वो ईमानदारी से तुमको लाकर दे दिया, बदले में तुम लालचपन से उसे धोखा दिए, तुमको जितना भी मिला वो पूरा सोना ले जाकर उनको देकर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा खून मेरा बॉयफ्रेंड ड्राकुला पिएगा। अगले दिन सोनू वाला सब सोना और पैसे राजैया को दिया और प्रणाम करके माफी मांगा। ऐसे राजैया एक बड़ा सा बंगला बनाकर उनकी बेटी का शादी धूमधाम से मनाया। अमीर स्टूडेंट वर्सेस गरीब स्टूडेंट। एक गांव में सुधीर नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहता था। सुधीर बहुत अमीर था, वो कार पर ही हर रोज कॉलेज जाता था। उसी कॉलेज में नवदीप नाम का एक गरीब लड़का भी पढ़ता था। बेचारे नवदीप के पास कॉलेज जाने के लिए बस का किराया भी नहीं होता था। क्लास में सुधीर और नवदीप प्रोफेसर विपुल शाह के पढ़ाए हुए लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनते थे। दोनों हमेशा बराबर मार्क्स लाते थे। इससे सुधीर नवदीप से जलने लगा। एक बार एक सब्जेक्ट में सुधीर को ज्यादा मार्क्स मिले, तब वो घमंड में आकर विपुल शाह से, अब बोलिए प्रोफेसर साहब, इस क्लास में मैं ही नंबर वन स्टूडेंट हूँ ना, मैं ही आपका फेवरेट स्टूडेंट हूँ ना सर। बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो और मार्क्स भी तुम ज्यादा लाते हो, पर तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर, अगर मैं नहीं तो आपका फेवरेट स्टूडेंट है कौन? मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टूडेंट नवदीप है, उसमें कोई शक नहीं है। पर यह तो अन्याय है सर, मैं उससे ज्यादा मार्क लेके आया हूँ, ऊपर से मेरे पास पैसे हैं, औहदा है, आप उसे मुझसे ज्यादा काबिल क्यों समझते हैं सर? आज आपको बताना ही होगा सर। ये मैं बातों से नहीं बता सकता बेटे, पर आप दोनों के लिए एक चैलेंज रखता हूँ, उस चैलेंज में पता चल जाएगा कि तुम दोनों में ज्यादा काबिल कौन है, कहकर नवदीप को बुलाया। फिर विपुल शाह उन दोनों से, देखो बेटा, पड़ोसी गांव में संपत नाम का एक धनवान का बेटा रहता है, वो 25 साल का है, पर अब तक वो 10वीं पास नहीं कर पाया। देश भर से बहुत सारे मास्टर आए उसे पढ़ाने के लिए, पर उसके भेजे में पढ़ाई बिल्कुल नहीं चढ़ती, इसलिए तुम दोनों को अलग अलग जाकर एक महीने के लिए उसे पढ़ाना होगा। अगर उसे 11 के पहाड़े भी याद हो जाए तो समझो तुम कामयाब हो गए। नवदीप, पहले तुम जाओ। इस तरह नवदीप संपत के घर गया। संपत अपने स्पोर्ट्स कार को रिपेयर करते हुए दिखाई दिया। नवदीप ने जाकर संपत के पिताजी से बात की। बाद में नवदीप संपत को दो का पहाड़ा सिखाने की कोशिश करने लगा। दो एकम दो, दो दुनी चार। ठहरो ठहरो, दो गुणा एक दो हुआ, पर दो जमा एक तीन हुआ ना, उसी तरह दो गुणा दो चार, तो दो जमा दो पांच होना चाहिए ना। अब तुम्हें ही क्लैरिटी नहीं है, तुम मुझे सिखाने चले आए? नवदीप ने सिर पकड़ लिया। इस तरह नवदीप ने
एक महीने तक उसे दो का पहाड़ा सिखाने की बहुत कोशिश की, पर उससे नहीं हुआ। नवदीप कॉलेज लौटा और सर मुझसे नहीं होगा, अब देखिए मैं उसे कैसे सिखाता हूं। सुधीर भी संपत के घर गया और एक महीने तक उसे पहाड़े सिखाने की कोशिश करने लगा। आखिर में सुधीर के बालों से धुआं निकलने लगा। सुधीर कॉलेज आया और विपुल शाह से, सर मैं भी हार गया। क्योंकि हम दोनों हार गए हैं, हमें एक और चैलेंज दीजिए सर। अरे जरूरत नहीं, इस चैलेंज से पता चल गया है कि नवदीप ही मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। पर वो कैसे सर, तुमने इस एक महीने में संपत के साथ क्या किया? क्या करता, उसे पहाड़े सिखाने की कोशिश कर रहा था। पर जानते हो कि नवदीप ने क्या किया, 2 घंटे के लिए उसे पहाड़े सिखाता रहा और 6 घंटे वो उससे कार मैकेनिज्म सीखता रहा। संपत पढ़ नहीं पाया, पर उसे कार के बारे में अपार ज्ञान है। पर वो उसके पिताजी समझ नहीं पाए, पर नवदीप ने उसे पहचाना और उससे काफी कुछ सीख कर आया है। इंजीनियरिंग करने के बाद वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कार कंपनी में नौकरी में ज्वाइन करने वाला है। उस कार कंपनी वालों ने नवदीप को नौकरी दी है और कहा है अमेरिका आ जाए। नवदीप ने उनसे बात की और संपत को भी वहाँ नौकरी दिलाया। यानी नवदीप हर जगह हर एक से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। तुम केवल वही सीखते हो जो लेक्चरर्स पढ़ाते हैं, यही तुम में और उसमें फर्क है। वो उसकी गरीबी से पैदा हुआ एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इसीलिए वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। सुधीर ने सिर झुका लिया। बाद में सुधीर ने नवदीप का अभिनंदन किया। इस तरह पढ़ाई पूरी करने के बाद नवदीप संपत के साथ अमेरिका चला गया। नवदीप के गरीब माँ बाप बहुत खुश हुए और संपत के पिताजी भी बहुत खुश हुए।